मेहता का उल्टा चश्मा। चलो हो गया साइन चेक, बस थैंक यू सेठ जी। नहीं थैंक यू से काम नहीं चलेगा, मस्त गर्मा गर्म कड़क मसाले वाली चाय पिलानी पड़ेगी नटुका का। एक मस्त गर्मा गर्म कड़क मसाले वाली चाय तैयार है, पियो 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 पियो। अरे बागा, अभी तो मेरे मुंह से चाय का ऑर्डर निकला नहीं कि तूने चाय हाजिर कर दी। वाओ बागा, I didn't know you have possessed genie power. नो नटू काका, नो जीनी पावर। मैंने सेठ जी को रिक्शा से उतरते देखा, तभी मैं समझ गया कि सेठ जी कुर्सी पर बैठते ही एक गर्मा गर्म कड़क मसाले वाली चाय मंगवाएंगे। इसलिए मैंने पहले ही चाय का ऑर्डर दे दिया और सेठ जी के बोलते ही गर्मा गर्म चाय हाजिर। वाह वाह बागा वाह, वेरी गुड बागा। देखा सेठ जी, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट फ्रॉम माइंड। नहीं नटू काका, प्रेजेंट फ्रॉम माइंड नहीं, प्रेजेंस ऑफ माइंड। व्हाटएवर सेठ जी, आपको दुकान में आने में देर क्यों लगी? एग्जैक्टली सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम हुआ था? अरे नटू काका, सोसाइटी में अचानक पानी बंद हो गया तो अब्दुल को टेरेस पर नल चालू करने के लिए भेजा, तो उसने देखा कि टेरेस का ताला टूटा हुआ है और टेरेस का दरवाजा अंदर से बंद था। लेकिन सेठ जी, इसमें आपको आने में देर क्यों लगी? आप थोड़े टेरेस से रिक्शा पकड़ते हैं। नटू काका, दो मिनट। ओके सेठ जी कंटिन्यू। तो टेरेस का दरवाजा अंदर से बंद था और फिर चलो 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 दूसरी भी आ जाओ और भागते भागते मैं सोसाइटी में आ गई और मैं बेहोश हो गई। छी 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 छी, आजकल ये छेड़खाने के किस्से बहुत बढ़ गए हैं। ऊपर से ये गुंडे मवालियों की हिम्मत और भी बढ़ जाती है, क्योंकि बदनामी के डर से कुछ लेडीज लोग पुलिस कंप्लेंट नहीं करते। अब ये लड़की जिसके साथ कल रात को ये हादसा हुआ, वो भी पुलिस कंप्लेंट करने से मना कर रही है। कुछ भी हो जाए सेठ जी, लेकिन पुलिस में कंप्लेंट तो करनी ही चाहिए। सेठ जी आप इजाजत दें तो मेरे पास सॉल्यूशन है। लेडीज लोगों की छेड़छाड़ करने वालों को कैसी कैसी सजा मिलनी चाहिए, उसकी मैंने एक लिस्ट बनाई है। ओ ब्रिलियंट। सजा नंबर वन। सजा नंबर एक, जो इंसान औरत की अस्मिता का सम्मान नहीं करता, छेड़छाड़ करता है या उनके साथ घिनौनी हरकत करता है, ऐसे आरोपी को जेल की बजाय जंगल में भेज देना चाहिए। जंगल में क्यों? क्योंकि औरतों के साथ बदसलूकी करना, छेड़छाड़ी करना या फिर उनके सम्मान को ठेस पहुंचाना, ये काम कोई इंसान नहीं जानवर ही कर सकता है। इसलिए ऐसे इंसानों को इंसानों की बस्ती से दूर जानवरों के जंगल में भेज देना चाहिए और फिर उसे चैलेंज देनी चाहिए कि अगर तुझ में हिम्मत है तो जा शेरनी को छिड़के दिखा। बराबर बराबर, बहुत बढ़िया आइडिया है बागा, बहुत बढ़िया आइडिया है। सजा नंबर दो। सजा नंबर दो थोड़ी कड़क है। कोई बात नहीं बागा बेटा, तू बिंदास बोल, कड़क नरम तेरे को सब छूट है। सजा नंबर दो, औरतों के साथ जबरदस्ती करने वाले का कानूनन दाना पानी बंद कर देना चाहिए, उससे जबरदस्ती उपवास करवाना चाहिए। उपवास? हाँ सेठ जी, क्या है जब वो आरोपी को दाना पानी नहीं मिलेगा, वो भूखा रहेगा, उपवास करेगा, तब वो भूख उसे अपने गुनाह का एहसास करवाएगी, उसे अपने किए पर पछतावा होगा, उसकी आत्मा जाग उठेगी। क्योंकि सेठ जी, शास्त्रों में लिखा है कि उपवास से ही आत्मशुद्धि होती है। वाह बागा वाह, बिल्कुल सही कह रहा है तू। आरोपी 10 साल जेल में तो रह सकता है, लेकिन 10 दिन बिना दाना पानी के उसको अपनी नानी याद आ जाएगी। सेठ जी, बागा की बात में दम है। अरे दम क्या, दम दमा दम, दम वाला दम है। करेक्ट सेठ जी। बागा, तू आज के आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिख
और तेरे सब सुझाव भेज दे। नट्टू काका क्या आज के आज, अभी के अभी एक साफ सुथरा कागज ले और अच्छे अक्षरों से उस पे तेरे सारे सुझाव लिख और अभी के अभी पोस्ट करके आ सरकार को। जी। और सुन, आते आते तेरा जलेबी फपड़ा लेके आना। ये 10 दिन उपवास की बात सुन के मुझे भूख लग गई। अच्छा नट्टू काका, ये बाका को जरा थोड़ा जलेबी फपड़ा के लिए पैसा देना। कितना मंगवाऊ सेठ जी? हम लोग 4 लोग है तो वो हिसाब से मंगा ला। 4? सेठ जी 2 जन जितना तो खाएंगे ना। अरे नट्टू काका, हम 3 और चौथा मगन की बात कर रहा था मैं। सॉरी, फिर भी थोड़ा एक्स्ट्रा मंगवा लेता हूँ, क्योंकि आप 2 जन जितना नहीं तो 1.5 जन जितना तो खाएंगे। बेटर सेफ देन सॉरी। कम बागा। हाँ। हाँ बोल दे। टप्पू के पापा, मैंने इसलिए फोन किया कि अपने दुकान जाकर चाय नाश्ता किया कि नहीं, क्योंकि आप यहाँ से चाय नाश्ता किए बगैर ही निकल गए थे। अरे दया, कितनी फिकर करती है तू मेरी। ला, मैं तो फिकर करूंगी ही ना। मेरी माँ हमेशा कहती है, एक पत्नी को एक पति की हमेशा फिकर करनी चाहिए। अरे मेरी फिकरी रानी, मेरी चिंता मत कर, मैंने चाय पी लिया, नाश्ता भी मंगा लिया है, आते ही नाश्ता भी कर लूंगा। ओके, थैंक यू। अच्छा वो लड़की की तबीयत कैसी है? पन भारती? हाँ? हाँ, अभी ठीक है। थोड़ी देर पहले ही उसने गर्मा गर्म चाय के साथ थेपले खाया और अभी मैं उसके लिए जूस बना रही हूँ। वैसे तुझे कहने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी उसका अच्छे से ख्याल रखना और उसकी तबीयत एकदम ठीक हो जाए उसके बाद ही उसको उसके घर भेजना। हाँ हाँ बाबा, फिकर मत कीजिए, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी। हो बाय। ओके बाय। अरे इस साल ये बजट ने तो सब उल्टा पुल्टा कर दिया। 2000 से ऊपर के सारे मोबाइल महंगे कर दिए। बोलो ये कौन सा बिल है? मेरी पगार बढ़ाने का बिल है, जो बरसों से आपकी पार्लियामेंट में अटका पड़ा है। लेकिन इस पे बग्घा के साइन क्यों है? सेठ जी, ये पगार बढ़ाने की हमारी जॉइंट एप्लीकेशन है। नट्टू काका, ये अभी क्या नया नाटक है? ये पगार बढ़ाने की बात में आपने ये बग्घा को भी शामिल कर लिया? यहाँ क्या यूनियन बाजी चालू कर दी आपने? अरे सेठ जी, यूनियन होती तो मगन की भी साइन होती ना। क्या जेठा भाई, किसका साइन ले लो मेरी जान? अरे संजय मिश्रा जी, आप खुद यहाँ? अरे भाई ये खड़ा के कुर्सी ला, संजय मैं के लिए जल्दी जल्दी जा। क्या हाल सब ठीक ठाक? अरे बढ़िया बढ़िया, क्या बात है अचानक इतने सालों के बाद इधर? कितनी बैठे 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 नट्टू काका, पहचाना के नहीं? अरे सेठ जी क्यों नहीं, ये आपके बहुत पुराने दोस्त है, दोस्त कम आवर कस्टमर। अरे भागा, तू इन्हें जानता है कि नहीं? बड़ी बड़ी हिंदी फिल्मों में इन्होंने कॉमेडी रोल किए हैं। अरे नट्टू काका, इन्हें कौन नहीं जानता, इनको तो मैंने बहुत सारी फिल्मों में देखा है। फंस गए ओबामा, गोलमाल, गोलमाल रिटर्न्स, नहीं? बस बस बोलिए बोलिए संजय भाई, अचानक इधर का आज रास्ता कैसे भूल गए? अरे कुछ नहीं यार, एक नई फिल्म आ रही है मेरी, सारे जहाँ से महंगा, बहुत भाग दौड़ हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो इधर जाओ उधर जाओ, माहौल गर्म है, फोन ठंडा हो गया। क्या मतलब? नहीं नहीं नहीं, मतलब हैंग हो गया यार, हैंग। अरे क्यों चिंता कर रही है, अपना बागा है ना, मैं फटाफट रिपेयर कर देगा। लाइए लाइए बागा, ले ले संजय भाई का फोन, फटाफट रिपेयर कर दे। तब तक नट्टू काका, आप संजय भाई के लिए कोई जूस व्यूस ठंडा वंडा मंगाइए। जी सेठ जी, ठंडा वंडा नहीं, बस फोन गर्म कर दो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना है जल्दी। अरे हाँ, वो आपकी नई पिक्चर का मैंने पोस्टर देखा, सारे जहाँ से महंगा महंगा। हाँ हाँ, वो तो क्या सबसे महंगी पिक्चर बनाई है? फिल्म महंगी नहीं है, ये फिल्म महंगाई के ऊपर बनाई है। महंगाई से कैसे लड़े, एक आम आदमी की भूमिका कर रहा हूँ मैं, लगता हूँ ना? अरे बिल्कुल, मतलब अपने परिवार को खुश रखना है, चलाना है, और महंगाई में कैसे गन्ने की तरह पिस रहा है, बस वही दिखाना है। बिल्कुल सही कहा संजय भाई आपने, महंगाई ने तो आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। ये मेरे पेट के वजह से मेरी कमर दिखाई नहीं दे रही है, बाकी मेरी कमर भी अंदर से टूटी हुई है महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से मेरी कमर तो आई ही नहीं। अरे तू फोन ठीक कर दे, बैठ जा बढ़िया। कमर देखना, इस पिक्चर में हमने महंगाई की कमर तोड़ दी, जीवन भर सुनते आ रहे हैं ना, महंगा आई महंगा आई। इस पिक्चर में
सस्ता आए। ओहो सस्ता आए, वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया शब्द लेके आए आप लोग। नटू काका आप ये पिक्चर खास देखना। नटू काका बार बार पकड़ बढ़ाने की बात करते रहते हैं। नटू काका ये पिक्चर तो आपको जरूर देखनी चाहिए। इस पिक्चर में हम महंगाई से लड़ने का रास्ता बता रहे हैं। अरे वाह। और जेठा भाई तुम दया भाभी को लेके आना, चंपक चाचा को भी कहना कि मैंने बुलाया, पूरे गोकुलधाम सोसाइटी के लोगों को ले आना। और सुनो पास में भिजवा दूंगा, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, पास की जरूरत नहीं है। क्या है, हर बार सब लोग आके बोलते हैं पास भिजवाएंगे, लेकिन फिर कोई भिजवाता नहीं है। इसलिए तब से हमने कसम खा रखी है कि भाई पिक्चर देखनी तो अपने पैसे से, और वो भी थिएटर में जाके। नहीं यार, हमारा तो सिचुएशन ही अलग है, महंगाई के वजह से पास छपवा ही नहीं पाए, तो सिर्फ आंखों से आजान मेरी जान। ये लीजिए संजय जी, आपका फोन रिपेयर हो गया। मैं चलता हूँ, ठीक है? कितने पैसे हुए? संजय भाई कैसी बात कर रहे हैं आप? दोस्ती यार, मेरे को ऐसे पैसे की बात करते, आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। 10 रुपए और दे दो, बस से चला जाऊंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस तक। अरे मजाक कर रहे पहले चल जाएंगे, लेकिन आना जरूर। अरे बिल्कुल बिल्कुल संजय भाई, आपकी ये फिल्म सारे जहां से महंगा सुपर डुपर हिट हो जाए, ऐसी मैं शुभकामना देता हूँ। मेरा गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टाफ भी शुभकामना देता है, और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी की तरफ से मैं आपको शुभकामना देता हूँ। एक बार बोलूं, तुम लोग जिसको भी ऐसा आशीर्वाद देते हो ना, वो हिट ही हो जाता है। मालिक का सब दया है, आशीर्वाद। चल चल, ओके, ऑल द बेस्ट। चलिए अभी आप लोग खड़े क्या है, संजय भाई ने बोला ना, जाइए जाइए पिक्चर देख के आइए, सारे जहां से महंगा। तो क्या है, ये एप्लीकेशन किसी को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जाइए। ये लो। अरे बैठो बैठो आराम से बैठो और जूस पी लो। अरे नहीं भाभी, अभी आपके हाथ की इतनी अच्छी चाय और इतने टेस्टी थेपले खाए हैं, अब ये जूस नहीं पी सकती मैं। ला, अरे थेपले कहाँ तूने ज्यादा खाया, इसलिए जूस तो पीना ही पड़ेगा, पी लो ना। प्लीज, अरे भारती, दया भाभी की बात कोई टाल नहीं सकता, जूस तो तुम्हें पीना ही पड़ेगा, है ना? अरे अंजलि भाभी पी ले बहन, आई आई। अरे तुम खड़ी क्यों हुई, बैठो 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 बैठो, आइए ना, आप सब भी बैठो ना। हम तो बस भारती की खबर पूछने आए थे। हाँ भाभी, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। ये लो। बस अब नहीं नहीं, सब पीना पड़ेगा, चलो पी लो, चलो। भारती ये लो, हम तुम्हारे लिए नया ड्रेस लाए हैं। भाभी इसकी क्या जरूरत थी? नहीं नहीं नहीं, तुम्हें लेना ही पड़ेगा। हाँ भारती, हाँ भारती, ये हम सबकी तरफ से हैं, ले लो, तुम्हें लेना ही पड़ेगा। अंजलि भाभी को कोई मना नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। सच में दया भाभी, आप लोग बहुत अच्छे हो। आप लोगों ने जो मेरी मदद की है, उसके लिए जितना भी थैंक्स बोलूं ना, उतना कम है। और किसी भी चीज की जरूरत हो बहू को बोल देना। जी चाचा जी। अच्छा बेटा, तुमने अपने माँ बाप को अपने सुख रूप होने का फोन किया कि नहीं? नहीं नहीं, कल के हादसे के बारे में मेरी मम्मी पापा को कुछ भी नहीं बताना है। अरे अरे बेटा, कल रात तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हो जाने के बावजूद तुमने पुलिस कंप्लेन करने से मना कर दिया, और अब ये बात तुम अपने माँ बाप को भी बताना नहीं चाहते। बात क्या है? हाँ देखो भारती, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ ना, उसकी पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए, और ये बात तुम्हें अपने घर वालों को बेझिझक बता देनी चाहिए। भारती क्या तुम्हें किसी का डर है? तुम हमसे कोई बात छुपा रही हो? देखो भारती, तुम हमसे खुलकर बात करोगे ना, तो हम तुम्हारी मदद कर सकेंगे। बोलो ना भारती, ऐसे डरो मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बोलो ना। दरअसल बात यह है कि पिछले महीने ही मुझे ये नाइट शिफ्ट की जॉब मिली है कॉल सेंटर में, और यहाँ विमेंस हॉस्टल में अकेली रहती हूँ मैं। एक छोटे से शहर से आई हूँ, और मम्मी पापा भी वहीं रहते हैं। बड़ी मेहनत से उन्होंने मुझे ग्रेजुएट बनाया, मेरी एक छोटी बहन है, भाई है, उनकी जिम्मेदारी मुझ पर है। और अब अगर ऐसे में टीवी न्यूज़पेपर में ये सब बात फैल गई और पुलिस कंप्लेन हो गई,
मम्मी पापा बहुत डर जाएंगे, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और मेरे परिवार की बहुत बदनामी हो जाएगी। बस इसीलिए। देखो बेटा, तुम्हारी मजबूरी हम समझ सकते हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, पुलिस कंप्लेंट करते वक्त हम इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे कि तुम्हारा नाम कहीं पे भी ना आए। हाँ। नहीं नहीं चाचा जी, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं करनी, प्लीज। अरे प्लीज भारती, तो फिर तुम क्या करना चाहती हो? हाँ, मैंने फैसला कर लिया है, मैं ये जॉब ही छोड़ दूंगी। भारती, ये तुम क्या कह रही हो? और मैं कर भी क्या सकती हूँ, मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है, मैं वापस अपने मम्मी पापा के पास चली जाऊंगी। लेकिन भारती, ऐसे बदमाश लोग तो शहर तो क्या, गांव गांव गली गली होते हैं, तुम कहां कहां भागती फिरोगी? तुम्हें इन सब का डट के सामना करना चाहिए और कानून की मदद लेके उन्हें सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। बराबर। भारती, तुम घर जाकर अपने मम्मी पापा से क्या कहोगी कि मैं डर कर वापस आ गई हूँ, और तुम अपनी छोटी बहन को भी घर से बाहर नहीं निकलने दोगी? भारती, तुम इस तरह हिम्मत हारोगी तो कैसे चलेगा? हाँ, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। हाँ भारती, अगर आज तुमने उन लड़कों के खिलाफ आवाज नहीं उठाई ना, तो उन लड़कों की हिम्मत बढ़ जाएगी बाबा। तो हाँ, और कल को वो बदमाश किसी और लड़की को परेशान करेंगे। हाँ भारती, तब अफसोस करने से अच्छा कि आज हिम्मत करके फैसला करो। और बेटा, चुप रहना इस समस्या का समाधान नहीं है, और अन्याय के सामने चुप रहना ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। बाबूजी सही कह रहे हैं, भारती तुम्हें हिम्मत करनी पड़ेगी, तुम्हारे अंदर की नारी शक्ति को जगाना पड़ेगा। लेकिन मैं एक अकेली इतने बड़े शहर में कर भी क्या सकती हूँ? एक नारी सब पे भारी, अकेली नारी बहुत कुछ कर सकती है भारती, क्योंकि ये चपाती बनाने वाले हाथ जब किसी को कस के चाटा मारता है ना, तो अच्छे अच्छे पहलवानों की आंखों के आगे अंधेरे छा जाता है। राइट। भारती, तुम खुद को बिल्कुल अकेली मत समझना, गोकुलधाम की सारी महिला तुम्हारे साथ है। क्यों बहनो? सब तुम्हारे साथ है। अब ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी अकेले की नहीं है, हम सब की है, पूरे देश की महिलाओं की है। जिसे हमारे घर में कचरा या गंदगी बढ़ जाती है, तो हम औरतें खुद अपने हाथों से उसे साफ करते हैं। ठीक वैसे ही हमारे देश में ये जो गंदगी फैल गई है ना, उसे हम औरतों को ही साफ करना पड़ेगा, और हम ये गंदगी साफ करके ही रहेंगे। क्यों बहना? गोकुलधाम की महिलाएं किसी भी महिला की अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी। बराबर है अंजलि भाभी, हम उन लफंगों को बताएंगे, जब एक अबला नारी काली माता का रूप धारण करती है, तब उसके प्रकोप से कैसे धरती फटती है, कैसे आसमान कांपने लगता है, और कैसे समंदर में भूचाल आता है। बोलो भारती, तुम हमारे साथ हो ना? हाँ भारती, बोलो तुम हो ना हमारे साथ? हाँ दया भाभी, आप लोगों की हिम्मत देखकर मुझ में भी हिम्मत आ गई, अब मैं उन बदमाशों का पूरी ताकत से सामना कर सकती हूँ। गुड, वेल डन। ये हुई ना बात, तो सुनो, आज रात को तुम अपनी नौकरी पे जरूर जाओगी, और आज रात को ही उन बदमाशों को औरत का असली रूप और असली ताकत का पर्चा मिलेगा, क्योंकि आज रात को हम करने वाले हैं मिशन साफ सफाई। बापूजी, हमारे मिशन के लिए हमें आशीर्वाद दीजिए। बहू, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। विजय भव। तो बहनो तैयार? तैयार। अब तो ये मिशन साफ सफाई सफल होके रहेगा। दोस्तों, आखिर हम किस समाज में जी रहे हैं जहाँ महिलाओं पे अत्याचार होते हैं, उनके अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जाता है, लेकिन गोकुलधाम की महिलाओं ने फैसला कर लिया है कि वो उसके खिलाफ अभियान चलाएंगी, अभियान साफ सफाई। और सचमुच ये नारी की शक्ति है जो घर का कोना कोना साफ कर सकती है, और निश्चित तौर पे समाज की गंदगी भी साफ कर सकती है। और दया भाभी ने बीड़ा उठा लिया है ऑपरेशन साफ सफाई के रूप में, और गोकुलधाम की महिलाएं उनके साथ है। लेकिन मुझे लगता है कि इतनी आसानी से कोई ऑपरेशन पूरा नहीं होता गोकुलधाम में। दया भाभी ने समाज की गंदगी को मिटाने की लड़ाई लड़ने का संकल्प तो ले लिया, लेकिन अभी उन्हें घर में लड़ाई लड़नी बाकी है, क्योंकि
जेठालाल इसमें एक अड़चन पहुंचाने वाले, तो क्या होगा? क्या दया भाभी इस मिशन साफ सफाई को अंजाम तक ले जा पाएंगी? क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।